अचानक आप सभी दोस्तों को ईद उल फितर मुबारक। मैं दफ्तर अली के यूट्यूब चैनल की तरफ से अचानक कैमरा मुझसे लेके दिए थे मुझे। अरे भाई आप लोगों को अचानक ईद मुबारक भाई। ये फंटर मेरे साथ है, ये मेरा बड़ा क्यूट बच्चा है ये। अच्छा भाई मजे की बात ये कि अचानक ईद हो चुकी है, ठीक है, और आज ईद का दूसरा दिन है तो मैं जा रहा हूँ बैरिया टाउन अचानक। वो भी अचानक, अचानक ही ईद है तो अचानक ही बैरिया टाउन जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो आज मेरे साथ मौजूद है प्रदीप। मैं एक बात बताऊँ, अपन बैरिया टाउन क्यों जा रहे हैं यार? अचानक ही बैरिया टाउन जा रहे हैं तो क्या करेंगे बैरिया टाउन में? नई चीज बताओ, नई चीज जो बनी। मैंने मेरे सुनने में अंडरपास बन रहा है, नहीं शायद बन गए, मैंने भी बहुत सुना है। तो अभी देखेंगे क्या होता है और बड़ा मज़ा आने वाला है आज के व्लॉग में, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बातें करते हैं। चेकिंग करवा रहे हैं, जो उनको पीछे काट दिए तो वो यहाँ जा। अच्छा जी, COVID-19 की वजह से बहुत सख्ती थी और विदाउट फैमिली को नहीं जाने दे रहे थे, तो मेरे साथ फैमिली थी तो मैं चला गया और बहुत मज़ा आया बैरिया में। आगे जाके आपको बताएंगे तो आप देख सकते हैं कैसी चेक इन हो रही है। इधर कुछ जगह ऐसी हैं जो बन रही है अभी, ये भी आप देख सकते हैं। कदीम क्या कर रहे हैं? मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो रही है और तुम्हारी नई ताज़ी नई चीज़ें बन रही है, वो मेरे को इतना ऊपर क्यों कर दिया? ये मेरा कैमरामैन और मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे बैरिया टाउन की शॉपिंग गैलरी है, यहाँ पर इधर जितने भी शॉप वगैरह हैं वो इधर है। यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद है अभी कोविड की वजह से रौनक यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सब लोगों को पता है कोरोना वायरस चल रहा है, इसीलिए जो है ना सब अपने अपने घरों में।
का दिन चौथा दिन मतलब ईद डे टू, ठीक है गाइस। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ईद के दूसरे दिन से डायरेक्ट ईद के चौथे दिन में कैसे हो गया। तो हुआ ये कि मैं पहुंचा अचानक भेड़िया, भेड़िया गया वहाँ पे थोड़ा सा बहुत घूमा और घूम फिर के फिर मैं अचानक कराची आ गया। और फिर मैं कहीं चला गया क्योंकि मैं कहीं इनवाइटेड था तो मेरी दावत थी तो उधर मैं चला गया। वहाँ से फिर मैं आया तो बहुत थक गया था तो मैंने सोचा यार लोग कल बनाएंगे तो सो जाते, तो मैं सो गया था। अब जब मैं उठा तो मेरे को व्लॉग बनाना था, लेकिन गलती क्या हुई कि ईद के तीसरे दिन मेरे घर पे मेहमान आ गए, गेस्ट आ गए, मतलब मेरे कज़न वगैरह आ गए थे तो उनके साथ इंजॉय करा, तो उसमें भी एक दिन और चला गया, ठीक है गाइस। तो अब ईद का चौथा दिन है तो आज बातें करेंगे इंशाल्लाह चौथे दिन, और मैं आपको बताऊँगा कि कितना मज़ा आया। और ईद जो लगती है ना, ईद लगती है सिर्फ ईद के दूसरे दिन से लेके तीसरे चौथे दिन तक, ठीक है। मुझे आज भी कहीं जाना है लेकिन मैंने सोचा आज थोड़ा व्लॉग बना लेते हैं और एडिट करके यूट्यूब पे अपलोड भी करना है क्योंकि आप लोग वेट कर रहे होंगे मेरे व्लॉग का। तो पहला दिन ईद का ऐसा हुआ कि मैं गया नमाज़ पढ़कर आया और सुकून से सोया, क्योंकि पहली ईद जो है ना सोने की होती है, ये समझ लो गोल्ड नहीं सोना स्लीपिंग, ठीक है। और अब बताते हैं भाई कि ईदी, हाँ मेन बात होती है ईदी की, यार ईदी किस किसने दी, तो यार ये नहीं बताना चाहिए, ठीक है ना। कुछ तो थोड़ा सीक्रेट रखना चाहिए, मतलब प्राइवेट रखना चाहिए। दीदी कितने दी, माशाल्लाह बहुत दीदी आई है और दीदी बहुत सारी है लेकिन दिखा नहीं सकता मैं। तो गाइस आप लोगों को इंशाल्लाह व्लॉग पसंद आ रहा होगा मेरा, दूसरी ईद से लेके चौथी ईद तक आपको मज़ा आ रहा होगा। तो गाइस अचानक ईद स्पेशल ये व्लॉग में मेरा एक छोटा सा, और उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ठीक है गाइस। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मज़ा आ जाए, बस समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। आज के लिए इतना ही चाहिए व्लॉग, इफ़ यू इन्जॉय दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी व्लॉग में, इस अपनेपन के साथ अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, और कोविड का टाइम है तो प्लीज़ घर में रहें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें और ज़्यादा बाहर ना जाएं, जाएं जब आपको काम हो जब जाएं, वैसे आलतू फालतू नहीं जाएं, आलतू फालतू घूमें भी नहीं क्योंकि आपको पता है ईद के टाइम पे लॉकडाउन लगा दिया है लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने, तो अब तो कह रहे शायद खुल गए हैं। तो गाइस कोविड के टाइम पे ज़्यादा नहीं मिलेगा मेरा ये कहना, तो बाकी और ममालिकों में आपको पता ही होगा हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के क्या हालात हैं, आपको सब पता होगा अगर आप सोशल मीडिया से अटैच हैं तो कनेक्टेड। तो गाइस प्लीज़ इस चीज़ को जो है ना थोड़ा सा अपने आप को भी सेफ करें, दूसरों को भी सेफ्टी के लिए जाएँ ताकि अच्छे से अच्छा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में भी वही दोबारा हो, क्योंकि एक दफ़ा हो चुका है, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि दोबारा ना हो सके। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में अपने अपने साथ, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह।